तो दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर एक, जो यूपी प्लेसी पैट, यूपी पुलिस, वीडियो और अन्य सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन नंबर एक है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपको बताना है अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यह होगा कमल। क्वेश्चन नंबर दो है, असुर का समानार्थी है। आपको बताना है असुर का समानार्थी क्या है। इसका समानार्थी होगा राक्षस। क्वेश्चन नंबर तीन है, आनंद का पर्यायवाची है। आपको बताना है आनंद का पर्यायवाची क्या है। आनंद का पर्यायवाची है ऑप्शन चौथा, प्रमोद। क्वेश्चन नंबर चार है, इंद्र का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची होगा पुरंदर। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शब्द का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा स्थूल। क्वेश्चन नंबर छः है, विधि का विलोम शब्द क्या है। विधि का विलोम शब्द होगा निषेध। क्वेश्चन नंबर सात है, अथ का विलोम शब्द है। आपको बताना है अथ का विलोम शब्द क्या है। अथ का विलोम शब्द होगा इति। नेक्स्ट है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा ए निर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर नौ है, जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो पसीने से उत्पन्न हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा स्वेदज। क्वेश्चन नंबर दस है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा कुलीन। नेक्स्ट है, जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द है। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा जीजीवीसा। नेक्स्ट है, शुद्धवर्तनी। आपको इनमें से शुद्धवर्तनी बतानी है, तो शुद्धवर्तनी होगी ऑप्शन फोर, उपयुक्त। नेक्स्ट है, इनमें से भी आपको शुद्धवर्तनी बतानी है, इसमें होगी ऑप्शन दो, राष्ट्रीय। नेक्स्ट है, आपको बताना है ज्योतिर्मय कैसे लिखा जाता है। ज्योतिर्मय लिखा जाता है ऑप्शन बी की तरह। नेक्स्ट है, फूलकर कुप्पा होना। फूलकर कुप्पा होना मुहावरे का अर्थ होगा नाराज होना। नेक्स्ट है, सफ़ेद झूठ होना। सफ़ेद झूठ होना पूर्णतः असत्य है। नेक्स्ट है, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना रुपये से सब काम करा लेना। नेक्स्ट है, पाँव तले जमीन खिसकना। पाँव तले जमीन खिसकना इस मुहावरे का अर्थ होगा होशोवास खो बैठना।